दिल्ली मदद दुर्नीति मामला दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिला अंतरिम जमिन। सुप्रीम कोर्ट तांको मिली जमिन जून 1 पर्यंत अंतरिम जमिन मिलता सूचना रही। तेज बर्तमान जहां बड़ खबर आसूँ दिल्ली दिल्ली मदद दुर्नीति मामला उपरे बड़ खबर आसूँ। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमिन मिली अंतरिम जमिन मिली। सुप्रीम कोर्ट मिली जमिन जून 1 पर्यंत अंतरिम जमिन मिली। पूर्वर मध्य अंतरिम जमिन पर आवेदन कराइले तेबे ताहा खारज करथिले तल कोर्ट एवं आज सुप्रीम कोर्ट जमिन को अंतरिम जमिन मिली जमिन को मंजूर करिसेंती। दिल्ली मदद दुर्नीति मामला रे दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल रे थिले एवं अंतरिम जमिन पर से आवेदन करथिले जहार सुनानी सुप्रीम कोर्ट आसी एवं सुप्रीम कोर्ट रु तांको जमिन मिली। जून 1 पर्यंत तांको अंतरिम जमिन मिलता सूचना रही। एने अधिक सूचना पर आम सहित फोन लाइन जोड़े आमर दिल्ली प्रतिनिधि मनोज महांती। मनोज, अंतरिम जमिन पूर्वर मध्य आवेदन करथिले किंतु आज सुप्रीम कोर्ट रु तांको अंतरिम जमिन मिली, कौन रही आपण पाखे सर्विसेस सूचना? वर्तमान समय सुप्रीम कोर्ट को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पाई एक बड़ आश्वस्तिकर खबर आसी। आसंता जून 1 तारीख पर्यंत दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल मिली। कारण जिते 7 तारीख मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेल पर आवेदन करते जेहेतु बर्तमान निर्वाचन चली तेणु अल्प समय रही दिल्ली रे निर्वाचन होगा। मे 25 रे दिल्ली रे निर्वाचन अच्छी, जून 1 रे पंजाब रे निर्वाचन अच्छी। तेणु दुईटी राज्य रे आप शासन करुच्ची। तेणु से दृष्टि अरविंद केजरीवाल आवेदन करथिले सुप्रीम कोर्ट रे जे तांको निर्वाचन। ओके मनोज, हमें पुणी फेरी आपन को जहां दिल्ली मदद दुर्नीति मामला उपरे सुनानी देछंती सुप्रीम कोर्ट। ट्राइड एंड आर्ग्यूड that there should be restrictions imposed on him so that he cannot be saying anything about this case, but that suggestion also was not accepted by the court and no restrictions whatsoever in respect of the campaigning has been imposed. Other aspects we'll have to see the written order, and since we have not seen it and the entire order was not pronounced, I am not in a position to comment any further on that. Now I want to know See, my sense as a lawyer is that it is a much needed relief. The arrest itself happened after model code of conduct was imposed. Therefore, the relief could not have come one day earlier. It is actually, it was much needed, and therefore we are very happy that the court has granted this relief. What will it answer? Will it impact in the election? See, that's a political question. I am not the right person to answer that. ओके मनोज, आम प्रतिक्रिया वकिलों शुणुला एक बड़ आश्वस्ति यह दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट रु जमिन मिली अंतरिम जमिन। निश्चित भाव जो भावे जून 1 तारीख पर्यंत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमिन मिली एवं 2 तारीख में से हाजर हे कोर्ट रे। तेणु ये कहीपर अरविंद केजरीवाल पर एक सामयिक आश्वस्ति, कारण जेहेतु बर्तमान इलेक्शन चली इलेक्शन को आखि आगे रखी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आवेदन करते जमिन, किंतु प्रकृत में सी ये घटना बर्तमान देखते ये संपूर्ण भाव मुक्त होना। तेणु ये एक न्यायिक प्रक्रिया, लंबा न्यायिक प्रक्रिया लड़े चलो जेहेतु आईन व्यवस्था अनुसार जे अंतरिम जमिन व्यवस्था अच्छे अंतरिम जमिन से आवेदन करते। तेणु जेहेतु से जने मुख्यमंत्री एवं दिल्ली जेहेतु गोटे राजनैतिक दलर मुख्य से दृष्टि से आवेदन करते सुप्रीम कोर्ट रे एवं सुप्रीम कोर्ट जिते विचार करते 7 तारीख में आज सुनानी स्थगित रखिते परवर्त समय सुनानी कर बेल आवेदन नहीं जहाँकि अरविंद केजरीवाल गोटे। ओके मनोज महांती आम सहित जोड़ी थे फोन लाइन रे। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमिन से जहाँ सूचना Today at 2 p.m. the bench in court 2 assembled for this matter and it pronounced a very short oral order. We have not yet seen the written order which will be uploaded in the course of the day as we understand, and in that oral order the court indicated that they are granting interim release slash bail to Mr. Arvind Kejriwal, and that order of interim release will obtain जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।